प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा एवं प्रयोग, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे ही कुछ विद्यार्थियों की जिज्ञासा थी कि सर हिंदी भाषा तो सुनी थी पर ये प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है। तो बच्चों, हमारे भाषा शास्त्रियों ने हिंदी को अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में विभक्त किया है। पहला वो जो सामान्य हिंदी साहित्य रचना के लिए प्रयोग की जाती है, साहित्य जिसमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि लेखन के क्षेत्र में जिस हिंदी का प्रयोग होता है वो सामान्य हिंदी भाषा कहलाती है। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य है कि वो भाषा जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए, उसको समझने और समझाने के लिए जिस प्रयोजन से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम उद्देश्य परक या लक्ष्य आधारित या उसको और अधिक व्यवहारिक बनाए जाने के लिए विषय वस्तु को समझने हेतु जिस भाषा का प्रयोग हम व्यापक क्षेत्र में करते हैं उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। प्रयोजन मूलक शब्द प्रयोजन विशेषण और मूलक उपसर्ग लगाने से बना है। प्रयोजन से तात्पर्य ही उद्देश्य अथवा प्रयुक्त, पर्पस ऑफ यूज, और तथा मूलक उपसर्ग से तात्पर्य आधारित। अतः प्रयोजन मूलक भाषा से अभिप्राय ये हुआ कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। इसी संदर्भ में प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन उद्देश्य के लिए किया जाता है। सामान्यतः प्रयोजन मूलक हिंदी पर विचार करने पर इसके 3 रूप सामने आते हैं। नंबर 1, बोलचाल की आम भाषा। नंबर 2, साहित्यिक हिंदी। और नंबर 3, प्रायोगिक हिंदी, जिसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अंग्रेजी जानने वालों ने इसको फंक्शनल शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है कार्यात्मक अथवा क्रियाशील। इससे प्रयोजन मूलक या व्यवहारिक अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि अप्लाइड शब्द से अधिक सार्थक और स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक कामकाजी भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः आपसी बातचीत, दैनंदिन व्यवहार, सब्जी मंडी, पर्यटन आदि। इसके विपरीत प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयुक्त क्षेत्र प्रशासन, परिचालन, प्रौद्योगिकी, ज्ञान विज्ञान, इत्यादि क्षेत्र व्यवहारिक हिंदी की संज्ञा उचित नहीं मानते। उनके अनुसार प्रयोजन मूलक संबोधन से
ये लगता है कि इसके अतिरिक्त जो भी है वो निष्प्रयोजन है क्या। लेकिन बृजेश्वर वर्मा जी ने कहा कि निष्प्रयोजन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बल्कि ये दिवालिया सोच है। प्रयोजन मूलक व्यवहारिक या सामान्य शब्द नहीं, किंतु एक पारिभाषिक शब्द है जिसका स्पष्ट और परिभाषित अर्थ है एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना जो हिंदी प्रयोग किसी विशेष जिसमें हिंदी का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही किया जा गया हो। अब आइए हम हिंदी के प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोगात्मक क्षेत्र पर भी थोड़ा विचार करें। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों के आधार पर इसका प्रयोग राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व सरकारी कामकाज तथा प्रशासन की भाषा नहीं थी। मुसलमान शासकों के समय में उर्दू या अरबी, अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की राजभाषा हिंदी बनी, जिसके फलस्वरूप साहित्य लेखन ही नहीं, बल्कि भारत में आधुनिक ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रस्फुटन और फैलाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों के साथ सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के नए अनछुए क्षेत्र से गुजरना पड़ा। इस सब को देखते हुए प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि संबंधित पारिभाषिक शब्दावली गठन की और संतोषप्रद विकास एवं विस्तार होता चला गया। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रमुख प्रयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। साहित्यिक प्रयुक्ति, साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। लेख बद्ध साहित्यिक भाषा काफी विशिष्टताएं लिए होती है, इसलिए वो लेखकों तथा विशिष्ट पाठकों तक ही सीमित रहती है। साहित्यिक भाषा में जनसामान्य के जीवन के साथ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का उल्लेख पाया जाता है। हिंदी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है, किंतु अनेक विधाओं तथा उसके विशेषताओं को समेटने की क्षमता भी इसमें है। ये भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं की शब्दावली ग्रहण कर समस्त एक चेतना अभिव्यक्ति प्रदान करने की कोशिश की है। अतः हिंदी भाषा की साहित्यिक अत्यधिक सजग और सर्वसमावेशी है। वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। औद्योगिक क्रांति के बाद इसकी व्याप्ति मात्र राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तथा बहुआयामी हो गई है, जिसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग तथा निर्यात, आयात आदि क्षेत्रों का समावेश होता है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक वाक्य रचना से काफ़ी अलग होती है, जैसे सोने में उछाल, चांदी मंदी, तेल की धार ऊंची आदि। अतः हिंदी भाषा की वाणिज्यिक प्रयुक्ति का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और लोकप्रिय होता जा रहा है। कार्यालयी हिंदी, हिंदी की अत्यंत आधुनिक एवं सर्वोपयोगी प्रयुक्ति में कार्यालयी प्रयुक्ति भी आता है।
जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज के रूप में प्रयोग होता है। प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कार्यालयी भाषा की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, पद रचना तथा आदि होते हैं। कार्यालयीन हिंदी में कामकाज के रूप में मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद तथा संचिकाओं में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम लोग कार्यालयी भाषा कहते हैं। विज्ञापन तथा जनसंचार के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग, जनसंचार की तेजी से उभरती हुई गति को देखते हुए इसका प्रयोग काफ़ी आकर्षक, वाक्य विन्यास, शब्दों का उचित चयन तथा वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवाहमय भाषिक संरचना विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति के मुख्य तत्व सामने आते हैं। विज्ञापन की भाषा चूंकि व्यापार, व्यवसाय तथा वाणिज्य से संबंध रखती है, अतः उसमें आकर्षक, मोहक शब्द, भाषा शैली, श्रव्यता, संक्षिप्तता आदि गुणों का होना नितांत आवश्यक है। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार के माध्यमों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि इसके मुख्य साधन हैं। अतः किसी भी देश की जनसंचार उस देश की सशक्त प्रगतिशीलता को दर्शाता है। विधि एवं कानून या न्याय की भाषा के क्षेत्र में कानूनी भाषा का प्रयोग से सीधा संबंध राजभाषा अनुवाद प्रक्रिया तथा तकनीकी शब्दावली से माना जाता है। कानूनी प्रक्रिया एवं अदालतों में तकनीकी शब्दावली होने के कारण जनसामान्य के लिए जटिल, नीरस तथा उबाऊ प्रतीत होती थी। इसी को देखते हुए विधि एवं कानून के क्षेत्र में संस्कृत, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया गया और इस प्रकार कानून एवं विधि की भाषा में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दावली, विशिष्ट पद विन्यास, लंबे संयुक्त वाक्य संरचना को सुचारू रूप में समझने और समझाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक एवं तकनीय की भाषा के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य है कि हिंदी का वो रूप जो विज्ञान और तकनीकी शब्दावली से मुख्यतः संबंध रखता है। राजभाषा प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1960 के को एक आदेश पारित करते हुए सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की 1961 में। इसी के तहत विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होते हुए भी और वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशिष्टता को अपने आप में ढालते हुए हिंदी संस्कृत के साथ अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग किया गया। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अनुपयुक्त हो रहा है। विज्ञान, गणित, विधि, अंतरिक्ष, दूरसंचार, टेक्नोलॉजी आदि इसके व्यापक क्षेत्र हैं।
तो इसके प्रयोग के क्षेत्रों के साथ साथ इस भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं, विशिष्टताएं भी हैं मित्रों। प्रयोजन मूलक हिंदी की संरचना संचेतना और संकल्पना के विश्लेषण से उसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं उद्घाटित होकर के सामने आती हैं, जिनमें निम्न प्रमुख हैं। नंबर एक, अनुप्रयुक्तता। प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे बड़ा गुण या विशेषता है उसकी अनुप्रयुक्तता, अप्लाइडनेस, अर्थात प्रयोजनीयता। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार प्रयोग होता है। विश्व भर में बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनका अस्तित्व व्यवहार तथा साहित्य के क्षेत्र से ही बना हुआ है। प्रशासन, संचालन तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की उनकी क्षमता उचित मात्रा में विकसित नहीं हो पाती है, अर्थात उन भाषाओं का अनुप्रयुक्त पक्ष अत्यधिक कमजोर होता है, जबकि हिंदी का ये पक्ष काफ़ी प्रबल है। इसने तकनीकी शब्दावली को ग्रहण करते हुए बहुमुखी सर्वांगीण विकास को अपनाया है। हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप का सर्वकष विकास इसीलिए संभव हो सका है कि उसमें अनुप्रयुक्तता की महानतम विशेषता विद्यमान है। वैज्ञानिकता। प्रयोजन मूलक हिंदी की दूसरी मुख्य विशेषता है उसकी वैज्ञानिकता। किसी भी विषय के तर्क संगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी संबंधित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क एवं कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषित कर रूपायित करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की अध्ययन तथा विश्लेषण की प्रक्रिया विज्ञान की विश्लेषण एवं अध्ययन प्रक्रिया से भी अत्यधिक निकटता रखती है, जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक कहा जा सकता है। इसी के साथ साथ प्रयोजन मूलक हिंदी के सिद्धांतों एवं प्रयुक्ति में कार्य कारण भाव की नित्यता भी दृष्टिगत होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की एक और विशेषता इसकी सामाजिकता है। सामाजिकता का संबंध मानविकी से होता है, अतः प्रकारांतर से प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिन्न संबंध मानविकी से माना जा सकता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के निर्माण एवं परिचालन का संबंध समाज तथा उससे जुड़ी विभिन्न ज्ञान शाखाओं से है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका तथा सामाजिक स्तर के अनुरूप प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्ति तथा भाषा रूप प्रयोग में आते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक विज्ञान की तरह प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर्निहित सिद्धांत और प्रयुक्त ज्ञान मनुष्य के सामाजिक प्रयुक्ति कारक क्रियाकलापों का कार्य कारण संबंध से तर्क निष्ठा अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। भाषिक विशिष्टता भी इसका अपना एक मौलिक गुण है, जिसके तहत प्रयोजन मूलक हिंदी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता को रूपायित कर उसे सामान्य साहित्यिक हिंदी से अलग करती है। अपनी शब्द ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी ने अनेक भारतीय तथा पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार अपने आप में समाहित कर अपनी शब्द संपदा को काफी
बढ़ाया है। प्रयोजन मूलक हिंदी में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है, जो उसकी भाषिक विशिष्टता को रेखांकित करता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर, वाच्यार्थ प्रधान, सरल तथा एकार्थक होती है और इसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार तथा युक्तियां आदि का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। फिर भी इसकी भाषा संरचना तटस्थता, स्पष्टता तथा निर्वैयक्तता स्पष्ट रूप से विद्यमान रहती है और कर्मवाच्य प्रयोग का बाहुल्य दिखाई देता है। इसी प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी में जो भी भाषिक विशिष्टता तथा विशिष्ट रचना धर्मिता दृष्टिगत होती है, वो बोलचाल की हिंदी तथा साहित्यिक हिंदी में दिखाई नहीं देता। मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अपना, इसकी परिभाषा, इसके प्रयोग के क्षेत्र, जो अपनी मौलिक विशिष्टताओं को धारण किए हुए निरंतर अपने आप को समृद्ध करने में संलग्न है। आज हम हिंदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के आधार पर ये कह सकते हैं कि अब वो समय दूर नहीं जब हिंदी अपने वैशिष्ट और दूसरी बोलियों और भाषाओं की शब्दावली को आत्मसात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपर्क भाषा बनने की ओर अग्रसर हो रही है। मित्रों, हम सबको गर्व है कि हम सब हिंदी के विद्यार्थी हैं और हिंदी हमारी न सिर्फ मातृभाषा बल्कि ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुकी है और आने वाला समय हिंदी के कारण ही होगा और हिंदी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे विदा लेने से पूर्व और आपकी, मैं समझता हूँ कि आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी और उसको समाधान प्राप्त हुआ होगा और मुझे आपने जो ये अवसर प्रदान किया हिंदी की प्रयोजन मूलक प्रधानता को आपके सामने रखूं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।